हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जाविस किचन में। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और ये बिल्कुल होटल स्टाइल बनता है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है। उसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, दो चम्मच नींबू का रस, और आधा चम्मच नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चिकन अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम ढक के आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन में लिया है 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 12 से 15 साबुत काली मिर्च, 4 लौंग और छोटा टुकड़ा दालचीनी का। इसे हम कम आंच पे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसकी खुशबू ना आने लग जाए। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे स्पाइसेस भी अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसको ठंडा करके मिक्सी के जार में निकाल लेंगे और उसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे हमारा पाउडर रेडी है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच घी लिया है। आप यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन घी में इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। यहाँ पे मैंने कुछ तेज पत्ता डाला है और 2 प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज भी यहाँ पे अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 बड़े साइज का टमाटर जिसे हमने बारीक चॉप किया है। अब इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टमाटर को तब तक फ्राई करना है जब तक ये गल ना जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच नमक। अब इसे भी हमें अच्छे से फ्राई करके लेना है। अब मसालों से ऑयल छूटने लगा है। अब हम इसे ढक्कन रख के 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा टमाटर भी अच्छे से गल चुका है। अब हम मैरिनेटेड चिकन इसमें डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसी स्टेज पे हमें जो भुना हुआ मसालों का पाउडर था वो इसमें ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे लगभग 3 चम्मच दही। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाला है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। होटल में जब हम ये डिश खाते हैं तो इसकी ग्रेवी इतनी ही ठीक रहती है। आप चाहे तो उसमें थोड़ा और पानी डाल के उसको पतला बना सकते हो। यहाँ पे ढक्कन रख के मैंने इसको 5 मिनट तक पकाया था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी स्टेज पे हमें डालना है फ्रेश क्रीम। यहाँ पे मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम यूज़ किया है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की ताजी मलाई भी यूज कर सकते हो। ये अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें हमने लिया है प्याज जिसको मैंने एक एक कली अलग अलग की है, 1 टमाटर जिसके हमने बीज निकाल लिए हैं और 1 शिमला मिर्च। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को मोटा मोटा काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। आप कसूरी मेथी को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कसूरी मेथी से हमारे ग्रेवी का स्वाद और बढ़ जाएगा
और इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया आती है। अब इस चिकन को हम लगभग 3 मिनट तक पका लेंगे, उस पर हम ढक्कन नहीं रखेंगे और बीच बीच में इसको हम मिक्स करते रहेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा हरा धनिया, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं और हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब इस कढ़ाई को होटल जैसा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने इसी कढ़ाई में एक स्टील का बाउल रखा है और गैस पे मैंने कोयले को गर्म कर लिया था। उस पे हम डालेंगे 1 चम्मच घी और कढ़ाई पे हम ढक्कन रख देंगे। इसको हम 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। इससे क्या होता है, हमारी ग्रेवी को एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने गैस को बंद ही रखा था। अब हम इस बाउल को निकाल लेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना ना भूलें और मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।